मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। इस ट्रिप पे आपको लग्जरी भी मिलेगा, एडवेंचर भी मिलेगा, सिंपल मतलब आपको जो कैंपिंग लाइफ देखनी थी या ओवरलैंडिंग देखनी थी सब कुछ मिलेगा मिक्स। जाने के मेल देखने यहाँ से हमारे एक और फ्रेंड है वो हमें ज्वाइन करेंगे। राजस्थान की मेहमान गति का मौका मिल रहा है तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। जहाँ से हम एंटर हुए हैं मेन गेट से, उस गेट का नाम है जयपाल यानी कि विक्ट्री गेट। अच्छा, जब जब अटैक होते हैं उसके ये गोला बारूद के निशान है। मेहरनगढ़ फोर्ट राव जोधा द्वारा अराउंड 1459 में बिल्ड किया गया था। और वैसे कहा जाए तो राठौड़ फैमिली के पास 17th सेंचुरी की चीज़ें हैं। और ये आप देख रहे हो वो शाही लाल डेरा, बाकी क्राफ्ट बाजार भी अंदर महल के अंदर बना हुआ था। हिस्टोरिकल कैनन रखी गई थी, इस कैनन को किला नाम से भी जाना जाता है। भगदड़ हुई थी इस गलियारे में। और ये है आइकॉनिक नीला जोधपुर। यस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। अभी बजे है सुबह के 9 और रात को 2 बजे आने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद अब थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। तो अब फ्रेश होके चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है आज, तो बने रहिएगा। और आगे इस व्लॉग में जोधपुर के बारे में और भी सारी जानकारियाँ लेते रहिएगा। मिलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट में। से हाय टू योर फ्रेंड्स। हाय, हम पहुंच गए। हम पहुंच गए। देखो ऐसा कुछ है सुबह का नजारा हमारे होटल से जोधपुर का। और इस साइड की विंडो में भी ऐसा कुछ नज़ारा है। आई थिंक सो कि थोड़ा सा अभी मॉनसून वेदर की वजह से क्लियरिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है दूर तक। और वहाँ कहीं मुझे वो फोर्ट है क्या है पता नहीं, मैं अभी पूछता हूँ नीचे रिसेप्शन। आई थिंक तो वही फोर्ट है यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है। तो चलो चलते हैं नीचे और थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो गाइस, इस ट्रिप पे आपको लग्जरी भी मिलेगा, एडवेंचर भी मिलेगा, सिंपल मतलब आपको जो कैंपिंग लाइफ देखनी थी या ओवरलैंडिंग देखनी थी सब कुछ मिलेगा। मिक्सचर ऑफ ऑल ट्रिप्स इस ट्रिप पे आपको हमारे वीडियोस में देखने मिलेगा। तो अभी हम लग्जरी में हैं, इससे पहले हम एडवेंचर कर रहे थे, इसके बाद हम कैंपिंग और ओवरलैंडिंग करेंगे तब वो भी दिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे साजना ओले। तो अभी तो बहुत दूर है, तो अभी के लिए तो रेस्ट करते करते चलेंगे। तो आप यही इंजॉय करिए, यही अट्रैक्शंस जो जो रास्ते में आ पाएंगे कर पाएंगे हम कवर वो सारे। फूड एक्शन फर्स्ट फ्लोर। पहले मैं आपको ब्रेकफास्ट का मेनू दिखा देता हूँ। पछि लास्ट। चलिए पेट पूजा करते हैं। और पेट पूजा में है बहुत सारा, ये है ब्रेड पकौड़ा, पाव भाजी मैडम में से खाऊंगा,
फ्राइड राइस, आलू पराठा, अभी चाय मंगवाई है लाइव काउंटर से, फिर जूसेस भी है। तो आज तो पेट पूजा तगड़ी होगी। इसको जो चाहिए था वो मिल गया सुबह सुबह, और भी मिलेगा, रुक रुक। सो दिस इज द बार एरिया ऑफ नोएटल जोधपुर, और काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे भी। चलो वेलकम टिंग एंजॉय करने आएंगे। अपने काम कर रही हूँ। हेलो गाइस, क्या बोलने की जरूरत थी? कहाँ जा रही हो भाई? वो दादा नानी के मेल देखने। क्या बोलते हैं उसे? पता नहीं, मैंने गाइस कर लिए। कैसे? हेलो गाइस, तो अभी सवारी निकल रही है जोधपुर की गलियों में घूमने के लिए। जोधपुर एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमारे एक मित्र हमारी वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं, मिलते हैं उनसे और आपको भी मिलवाते हैं। Let's go. चलो आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं यहाँ का। दुर्वा तेरे काम का नहीं है। और यहाँ से व्यू देखो, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। चल धूप तो देखो, धूप दुर्वा बटरफ्लाई। अभी हम लोग जा रहे हैं जोधपुर का जो फेमस फोर्ट है मैरनगढ़ी फोर्ट, वहाँ पे जा रहे हैं। एकदम रेडी हो गए ब्रेकफास्ट के बाद और निकल पड़े। यहाँ से हमारे एक और फ्रेंड है, वो हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो यहाँ के लोकल है, तो उसको पता होगा यहाँ का क्या फेमस है, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाली है। ठीक है ना जी? राजस्थान की मेहमान गति का मौका मिल रहा है तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। एक्चुअली उनकी कहानी हम मिलके ही बताएंगे उनको आपको, तो बाकी अभी वो हमारा लोकेशन है, उन्होंने हमें सेंड किया है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और या तो फिर वहाँ पे उसका मतलब नज़दीक में रहते हैं तो वो पहुँच जाएंगे, पहले हम पहुँच जाते हैं उस लोकेशन पे और फिर आपको मिलवाते हैं। अभी तो रास्ते का हालत तो देखो, अगर जोधपुर की बात करूँ तो देख लीजिए, मतलब ठीक ठाक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से जोधपुर के रास्ते थोड़े ख़राब है या फिर बारिश के कारण ख़राब हो चुके हैं, और तो कुछ अभी ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, तो फिर जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और यहाँ की कुछ लोकल मार्केट्स, और यहाँ पे हो चुका है ट्रैफिक जाम, जैम में फंस चुके हैं हम लोग। एक छोटा लड़का और है। ओके, तो ये पवन जी हमें ज्वाइन करने वाले थे लद्दाख, एक्चुअली एग्जाम आ गया छोटू का, तो अभी आ नहीं पा रहे, तो सोचते यही मुलाकात करेंगे। अगर जोधपुर में आए और इनसे मिले भी ना जाए वो कैसे चलेगा? वो पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल क्योंकि प्लान साथ में बना था, अब अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पा रहे। तो चलो अभी जोधपुर घुमाएंगे पवन जी, तो चलते हैं। हाँ, उनके पीछे पीछे जोधपुर की गलियों में यहाँ के जो फेमस जगह है, यहाँ की फोर्ट मेहरनगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी तंग गलिया है, अब पता नहीं ये शॉर्टकट है कि यही रास्ता है, अब तो वो तो यहाँ के लोकल है उनको ही पता,
लेकिन पहुंचा देंगे अब तो हमारे साथ पवन जी है तो फिर क्या दिक्कत है। ये सामने दिख रहा है देखो ऊपर है ना जो वही है, कहां तक गाड़ी जाती है देखते हैं। अरे वाह पवन जी कहां हिल स्टेशन में लेके जा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये देखो जोधपुर का नजारा भी दिख रहा है। वाओ मेहरनगढ़ एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो कि ज़मीन से 400 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और ये 1200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कुल 7 एंट्रेंस गेट है और एक 8वां गेट है जो कि अभी भी छिपा हुआ है जो कि अभी किसी को पता नहीं है, मतलब मेन 7 गेट है इसके अंदर एंटर होने के। वैसे ये ट्रिप सबके लिए थोड़ा उलट पलट चल रही है। ये जहाँ से हम एंटर हुए हैं मेन गेट से, उस गेट का नाम है जयपाल यानी कि विक्ट्री गेट, जो कि महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर के युद्ध के बाद 1806 में बनाया था। इधर से उतरना है वापस? वापस है रिटर्न का यही रास्ता। ओके अच्छा जब जब अटैक होते हैं उसके ये गोला बारूद के निशान है। उसी टाइम का ये पुराने दो प्रोटेक्शन वॉल ही था एक तरह से ये। हाँ ये मतलब एंटर अभी भी जैसे है तो आगे नीचे से आए हैं अपन और आगे उसमें गेट वगैरह बना रखे हैं, उसमें हाथी से जैसे वो लोग करते थे क्या से लोग गेट वगैरह तोड़ना और उस पे चढ़ाई करना। वैसे कुछ 7 दरवाजे ऐसे है कुछ और एक 8वां दरवाजा कुछ छुपा हुआ है अभी तक नहीं पता। देखना है जैसे ऊपर से व्यू देखना है म्यूजियम का कोई ऐसा कुछ भी शौक नहीं जाएंगे इधर पहले पहले में ऊपर जाके आते हैं नहीं फिर इधर से टिकट लेके फिर जानी पड़ेगी। अच्छा हाँ तो ले लेते चलो सीधा वो बस खाली किला देखना है और वो अंदर और ये यहाँ का टिकट काउंटर अगर आपको म्यूजियम देख रहा है मंदिर देख रहा है। तो पवन जी जैसे ये टिकट चार्जेस किस किस चीज के? ये अपन के म्यूजियम के हैं यहाँ पे म्यूजियम जो अपन विजिट करेंगे okay. उसी का है। और बाकी लिफ्ट वगैरह है लिफ्ट अभी बंद हो रखी है। अच्छा लिफ्ट वो होती हाँ। है तो लिफ्ट के जरिए आप ऊपर तक जा सकते हैं ऊपर डायरेक्ट अपन ऊपर वहाँ से फिर नीचे okay. स्लो डाउन होते होते सारा म्यूजियम विजिट कर लेते हैं। माता जी का मंदिर है एक जो यहाँ का काफी फेमस है इसमें। अच्छा वो आगे जाके कौन से माता जी हो? ये दुर्गा माता जी। दुर्गा माता जी अच्छा जो जो जोधा जी जो यहाँ पूजा करती थी ये जो मेन है पुराना 2005 या 7 में लगभग यहाँ पे हादसा भी हुआ था काफी बड़ा। ओके शायद 200 या 250 जने मतलब अच्छा वो भगदड़ हुई थी जो भगदड़ जो हाँ 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 उसमें वो दबके मर गए थे। ओके बहुत दुखद था बहुत मान्यता नवरात्रा में तो बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती है। ओके सबसे पुराना इस फोर्ट ने मतलब 1707 में जब मुगल से युद्ध हुआ था तब भी बहुत प्रोटेक्शन दिया था और
जयपुर और बीकानेर के युद्ध में भी ये फोर्ट बहुत काम आया था, और इस फोर्ट की वजह से वो पूरा युद्ध वो लोग जीत चुके थे, मतलब जीत पाए थे। तो इस फोर्ट का बहुत तो ही ज़्यादा महत्व रहा है उस टाइम के युद्ध के दौरान, फिर वो मुग़ल से हो या जयपुर या बीकानेर से हो। मेहरनगढ़ फोर्ट राव जोधा द्वारा अराउंड 1459 में बिल्ड किया गया था, और इन्हीं के नाम से जोधपुर सिटी का भी नाम उस टाइम पे दिया गया था, जोधपुर। तो राव जोधा ने इस महल की बनाने की शुरुआत 1459 से की थी, और ये सारे जो आप देख रहे हो ये सब बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई थी। और वैसे कहा जाए तो राठौड़ फैमिली के पास अभी मतलब इंडिया में बीकानेर फोर्ट और जोधपुर फोर्ट दो ही बचे हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए हैं। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे म्यूज़ियम में वो मोस्टली 17th सेंचुरी की चीज़ें हैं, और बाकी कहा जाए तो इस फोर्ट के बारे में इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है जो बहुत ही रिच मानी जाती है राजस्थान और ख़ास करके इंडिया में। करते थे राजा। इस म्यूज़ियम में आप वुडन सीट विथ गोल्ड एंड सिल्वर जो हाथी के ऊपर बैठ के राजा महाराजा सवारी करते थे वो देख पाओगे, आर्मरीज, पुराने ज़माने की पेंटिंग्स वगैरह, शाही लाल डेरा हो गया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब उस टाइम पे यूज़ में ली गई है, और बिल्कुल एंटीक पीस यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि एकदम अनटच्ड है। और ये देखो हुक्का, उस टाइम का हुक्का जो ट्रेन बिल्ट हुई थी उस टाइम पे उसका जो नक्शा बनता है, और ये बड़े बड़े लॉक जो उस टाइम पे गेट्स पे यूज़ होते थे, और ये माता चामुंडा माता जी का स्टेचू, ये मारवाड़ तब का मारवाड़ है, अरवली की रेंज जहाँ से हम आए ना। ये जो आप देख रहे हो ये पालना बोलते हैं, मतलब उस ज़माने में राजकुमार और राजकुमारियाँ जब छोटे होते थे तब इसमें झूला मतलब झूल के वो सोया करते थे, तो एकदम मतलब राजाशाही शान के साथ उनका पालन पोषण होता था। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पीसीस रखे थे जिसमें बच्चों को सुलाया जाता था उस टाइम पे, और ये आप देख रहे हो वो शाही लाल डेरा, और यहाँ पे जैसे दरबार लगता था ये है वहाँ का, मतलब शीश महल के टाइप बना हुआ एक रूम था, पूरा शीशों से जड़ा हुआ, सोना चांदी से जड़ा हुआ एकदम रिच रूम। और ये और एक मतलब शाही दरबार टाइप रूम था जहाँ मतलब मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग्स में भी आई थिंक ये आपने देखा होगा इस रूम का सीन वगैरह, और फिर अंदर से ही ये पूरा जोधपुर सिटी का जो व्यू आता है, और यहाँ से मतलब सामने पूरा सिटी व्यू दिखता है, और एकदम सामने है जो एक दूसरा पैलेस बोलते हैं वहाँ अभी 5-star होटल बन चुकी है इस पैलेस में, और यहीं सुना गया कि वो प्रियंका चोपड़ा वगैरह की शादी भी हुई थी, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ शादी करने के लिए आते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, और एक पर नाइट का 3-3 lakh रुपए का चार्जेस भी होता है कभी कभार। तो यहाँ से वो पैलेस दिखता है, और वो जो मेरी होटल से दिख रहा था वो ये पैलेस था, वहाँ से फोर्ट नहीं दिख रहा था, बट जो भी व्यू यहाँ से था और मानसून के बादलों के साथ। बाकी इस मंजिल पर भी थोड़ी आर्मरी रखी गई थी जो उस समय पर मुगल्स के साथ और बाकी युद्ध के दौरान यूज़ किए गए थे। यहाँ पे ख़ास तौर पे जयपुर और बीकानेर का युद्ध काफ़ी हिस्टोरिकल दिखाया गया था, जिसमें जोधपुर की उस युद्ध में विजय हुई थी, और काफ़ी सारी यहाँ पे कल्चरल चीज़ें मतलब ये हो गए, जूती हो गई जयपुरी राजस्थानी जूती हो गई, बाकी क्राफ्ट बाज़ार भी अंदर महल के अंदर बना हुआ था जो कि काफ़ी रिच हिस्ट्री मतलब बिलोंग्स करता है राजस्थान की। तो हमने तो वैसे कुछ नहीं लिया बिकॉज काफ़ी सारी ह्यूमिडिटी थी, गर्मी बहुत हो रही थी, तो हमने फटाफट एक्सप्लोर किया, और महल के अंदर ही एक ये मंदिर था दुर्गा माता का, चामुंडा माता का, और मेन मंदिर और ऊपर है वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं।
बाकी म्यूज़ियम और फोर्ट को ऊपर से देखने के बाद हम ऊपर की मंजिल पे गए बाहर की साइड। वहाँ पे ये हिस्टोरिकल कैनन रखी गई थी। इस कैनन को किला नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता था इस फोर्ट के ऊपर। और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का भी यहाँ पे बहुत माना जाता है। यहाँ पे नवरात्रों में भी बहुत भीड़ रहती है। और ये चामुंडा माता जो कि दुर्गा माता से भी जाना जाता है। और इस जगह पे कुछ सालों पहले भगदड़ हुई थी इस गलियारे में। इस गलियारे में काफ़ी सारे लोग दब चुके थे और काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। बाकी गेट्स की बात करें तो यहाँ पे जय पॉल, फतेह पॉल, गोपाल पॉल, डीडकंदरा पॉल, अमृत पॉल, काफ़ी सारे जो गेट्स हैं उसके नाम दिए गए थे। और ये है आइकॉनिक नीला जोधपुर। सो अभी लंच कर रहे हैं, होटल में ही आ गए वापस क्योंकि गर्मी बहुत है। और मेनू देख सकते हो, मंचूरियन और पास्ता। मेरे पेट चल रही है। पेट पूजा चल रही है, रोटी सब्जी भी खानी है। Yellow sky. सो थोड़ा बहुत जोधपुर सिटी हमने एक्सप्लोर किया और फिर थक के सो गए थे तो वीडियो एंड करना भूल गए, तो अभी कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा लद्दाख की एडवेंचरस ट्रिप के लिए और उसके वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।